पिछले 100 घंटों में अफगानिस्तान की पूरी तस्वीर बदल गई है। अब यहां हर तरफ हथियारबंद तालिबानी लड़ाके नजर आ रहे हैं, बात बेबात गोली चलती है, किसी की जान सलामत नहीं है, हर तरफ कोहराम। कहीं सरेआम निहत्ते लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई जा रही हैं, कहीं युवकों पर फायरिंग की जा रही है, कहीं खुलेआम महिलाओं को अगवा किया जा रहा है, कहीं महिलाएं चीख रही हैं, कहीं लोग जान बचाने के लिए दहशत में भाग रहे हैं। हर तरफ क्रूरता बरबरता, ये बदली हुई बारूदी और बदसूरत तस्वीर अफगानिस्तान की, माफ कीजिए अफगानिस्तान नहीं, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की यही तस्वीर, यही तकदीर। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान, ये अफगानिस्तान का बदला हुआ नया नाम है, जिसे तालिबानियों ने देश के 102वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रखा है। मतलब सरल भाषा में समझ तो अब अफगानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक नहीं, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कही। अफगानिस्तान के नए नाम से ही तालिबान का मतलब साफ, संकेत क्लियर, नए नाम में रिपब्लिक नहीं, मतलब गणतंत्र नहीं, मतलब जनता का शासन नहीं। तालिबान की सत्ता के बाद अफगानिस्तान से आई तस्वीरों से भी समझा जा सकता है यह गणतंत्र नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र यानी बंदूक का शासन। यही दहशत लोगों को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है, यही डर लोगों को जान की बाजी लगाकर प्लेन में लटकने के लिए मजबूर कर रहा है। इस खौफ की वजह से लोग सैकड़ों फीट की ऊंचाई से उड़ते विमान से गिर रहे हैं, बगावत करने पर गोली मारी जा रही, अफगानिस्तान का झंडा उठाने पर कत्लेआम हो रहा है, तालिबानी बच्चियों को घर से अगवा कर रहे हैं, महिलाओं से आतंकी जबरन निकाह कर रहे हैं, आतंकियों के साथ शादी न करने पर पति की हत्या की जा रही, महिला बैंक कर्मचारी और पत्रकारों को काम करने से रोका जा रहा है, महिलाओं के अकेले घर से बाहर निकलने पर पाबंदी, बुर्का न पहनने पर महिला की हत्या हो रही। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाके सरेआम लूट को अंजाम दे रहे हैं, बंदूक के बल पर भरे बाजार में आम लोगों से कार और सामान लूटे जा रहे हैं। भले दुनिया को दिखाने के लिए तालिबान अच्छी हुकूमत का ढोंग करें, लेकिन अफगानिस्तान की कड़वी हकीकत सामने आ चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।